इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम खेल रहे हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D, जिसमें जो न्यू अपडेट्स आए हैं मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आप यार देख सकते हैं न्यू अपडेट्स में निसान GT-R कार हो गया, R15 हो गया, KTM बाइक हो गया, और बहुत सारे न्यू अपडेट्स में मतलब कंस्ट्रक्शन से लेकर बहुत सारी कार, बहुत सारे चीज़ भी आए हैं। तो मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा। आपको मैं अंदर से दिखा देता हूँ निसान GT-R का लुक। आप देख सकते हो काफ़ी शानदार लुक लग रहा है अंदर से निसान GT-R का। तो ये हम चला के देखते हैं, और मैं आपका अभी कंस्ट्रक्शन हाउस लेके चलता हूँ। तो आपको यहाँ से लेफ्ट ले लेना है, और आपको एकदम स्ट्रेट जाते रहना है, एकदम जाते रहना जाते रहना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को भी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसे राइट ले लेना है, एकदम स्ट्रेट ही जाना है अभी आपको। आप वहाँ देख सकते हो आपको जो डिब्बा वाला दिख रहा रहेगा जहाँ हम स्टंट करते, वही वाला रास्ता आपको लेने का, एकदम स्ट्रेट लेने का है। इधर ही कंस्ट्रक्शन हाउस बनाया है, तो आप देख सकते हैं हम कंस्ट्रक्शन हाउस पहुंच चुके, जो कि रोहित भाई ने न्यू बनाया है और काफ़ी शानदार बनाया है। आप यार देख सकते हैं इसका लुक भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऊपर मेट्रो का लाइन दे दिया, यहाँ कार प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जैसे कार ड्राइविंग होता है ना वैसे कर सकते हो, हम भी करते, आप देख रहे हो। तो यहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं, और मैं आपको बहुत सारे बिल्डिंग्स भी दिखाता हूँ जो कि बन रहे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सामने दो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में हम ऊपर चल के दिखाता हूँ मैं आपको। आप यहाँ देख सकते हैं आप ये बिल्डिंग के सीढ़ी को चढ़ भी सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर जैसे आप जा सकते हैं, सेकेंड फ्लोर है तो हम सेकेंड फ्लोर भी हमने पार कर लिया, और ये थर्ड फ्लोर, बाप रे कितना बड़ा बिल्डिंग है पता नहीं, बट काफ़ी लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से, एकदम व्यू भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये फोर्थ फ्लोर आई थिंक, ये लास्ट है, हाँ ये फोर्थ फ्लोर लास्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी व्यू भी बहुत अच्छा ही दिख रहा है यहाँ से, एकदम सब बिल्डिंग से लेकर मेट्रो का स्टेशन सब चीज़ दिख रहा है यहाँ से। आप देख सकते हैं जहाँ आप स्टंट करते हैं वो भी दिख रहा है। और यहाँ हम अपने KTM को बुला लेते हैं, तो आपको डायल करना है 1210। हाँ गाइस, आपको डायल करना है 1210। तो आप देख सकते हैं आपका KTM आ चुका है, और KTM का लुक काफ़ी शानदार लग रहा है, एकदम जस्ट लाइक अ वाओ। तो यहाँ से हम अपने KTM को हवा में उड़ाते, यहाँ से अपना रेस देंगे, और आप देख सकते हैं KTM एकदम हवा में क्या ही लग रहा है। यहाँ से हम बाहर जाते, और इस एरिया में आपको सबके कोड बताऊंगा। तो आप पहले आपको निसान GT-R का कोड बताए, तो जो आपको डायल करना है 3005। हाँ गाइस, आपको डायल करना है 3005। बाद में आपको डायल करना है, आपको नेक्स्ट कोड में जो बताऊंगा वो है R15 का, न्यू R15 जो आया है उसका कोड है। तो आपको डायल कर लेना है 1210 जो KTM का कोड है। हाँ गाइस, आपको डायल करना है 1210, जिससे आपका KTM आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से अपना RGS टूल्स को ओपन करते, गैलरी से हम अपने कलर को चेंज करते। जैसे आप देख सकते हो बाइक का कलर हमने KTM का चेंज कर लिया, तो काफ़ी शानदार कलर लग रहा है एकदम। तो हम निसान GT-R का कलर भी चेंज करके देखते, तो एकदम हम पास में चले जाते हैं, और यहाँ से हम RGS टूल पे क्लिक करके आप देख सकते हैं हमारे कार का क्या ही कलर लग रहा है। तो यहाँ हम डायल करते हैं 9, जिससे हम नाइट मोड में देखते हैं हमारा कार कैसा लगेगा। तो आप देख सकते काफ़ी शानदार कलर लग रहा है नाइट में, तो एकदम मतलब रात एकदम, और कार भी हमारा चमक रहा है लाइट की वजह से एकदम। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम थोड़ा चला कर भी देखते हैं कार को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप कमेंट कर सकते हो आपको नेक्स्ट गेम कौन सी वीडियो की चाहिए होगी, तो कमेंट भी कर देना, और मैं वो गेम भी जल्दी लाऊंगा। यहाँ से हम आगे जाके कार को रोक लेते, यहाँ से हम बाहर निकल के रिटर्न 9 डायल कर देते, जिससे कि हम डे में आ जाए। तो हम 9 डायल कर लेते, जैसे कि आप देख सकते हैं हम टाइम चेंज कर चुके, हम डे में आ चुके। तो आपको यहाँ डायल करना है 400। तो आप जैसे ही डायल करोगे 400, आपका ZX10R बाइक आ जाएगा। ZX10R बाइक का लुक ही देख सकते हो, काफ़ी काफ़ी एकदम अच्छा लग रहा है, एकदम ग्रीन कलर लेविस लग रहा है। तो यहाँ से आपको आपका RGS टूल्स को ओपन करना है, आपको RGS टूल ओपन करके आपको लिखना है हेलीकॉप्टर। हाँ गाइस, आपको लिखना है हेलीकॉप्टर। तो जैसे ही आप हेलीकॉप्टर लिखोगे, आपको बहुत बार लिखते हैं ना, तो आप देख सकोगे कि आप आसपास में एकदम हेलीकॉप्टर दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ हम हेलीकॉप्टर लिख लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हो मैंने आपको बंदूक के एरो से दिखा रहा हूँ हेलीकॉप्टर, आपको दिख रहा होगा एकदम बहुत ही दूर है। जैसे ही मैं फायर करके भी दिखाता हूँ तो आपका हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा। तो आप RGS टूल में जैसे जेट और हेलीकॉप्टर लिखोगे, तो आप समझ में जेट और हेलीकॉप्टर देख सकते हो। तो ये वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।